तो वंदे भारत एक्सप्रेस का डोंगरगढ़ और राजनांदगांव स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को नागपुर से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। अब मध्य भारत की पहली और देश की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर नागपुर बिलासपुर के बीच चलेगी। पूरी रिपोर्ट देखिए। माँ बम्लेश्वरी देवी की नगरी डोंगरगढ़ एवं संस्कारधानी राजनांदगांव में लोगों में आशा की किरण मानो छटा बिखेरने वाली जैसी थी। मौका था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंतजार का। सभी की आंखें बेचैन थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 दिसंबर को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर बिलासपुर वंदे भारत का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर था जब मध्य भारत की पहली एवं देश की छठवीं वंदे भारत स्पीड ट्रेन का डोंगरगढ़ और राजनांदगांव स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में डोंगरगढ़ के भाजपा समर्थकों सहित डोंगरगढ़ के जनमानस ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। तो वहीं राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और प्रवक्ता नीलू शर्मा सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवा सप्ताह में 6 दिन जिसमें शनिवार को छोड़कर दोनों ओर से संचालित रहेगी। इस ट्रेन के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया स्टेशनों में स्टॉपेज दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करने वाले प्रथम यात्रियों और क्रू स्टाफ का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रियों से इस गाड़ी की यात्रा का अनुभव का फीडबैक भी हमारे संवाददाता अभिलाष देवांगन ने ली है। हमने छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर किया जो कि डोंगर से राजनांदगांव था, और साथ में हमारे साथ बच्चे स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ सफर किए हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनका कैसा तजुर्बा रहा, किस टाइप के उन्होंने कैसा लगा इनको इस ट्रेन में जाके। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रियंका धुर्वे है। और इस ट्रेन में आप आए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में, कैसा लगा आपको? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भविष्य में क्या चाहते हैं कि इस ट्रेन, और जैसे कि अब ये डोंगर में इसके स्टॉपेज है नहीं, अब आप क्या चाहते हो कि आपको भविष्य में जो है हो सकता है रायपुर जाना पड़ना रायपुर जाना पड़ जाए, राजनांदगांव जाना पड़ जाए, दुर्ग जाना पड़ जाए, तो भविष्य में आप क्या चाहते हैं इस ट्रेन से पे? सर डोंगरगढ़ में भी हम चाहते हैं कि डोंगरगढ़ पे भी हो ऐसे सर रुकने का हो उसमें। तो आपने सुना कि जो देश के जो भविष्य भी चाहते हैं कि ट्रेन डोंगरगढ़ में रुके, जो कि डोंगरगढ़ में किसी शैक्षणिक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को दुर्ग भिलाई रायपुर पर डिमांड रहना पड़ता है एक्सप्रेस में जो कि बिलासपुर से चल नागपुर से चलकर बिलासपुर जा रही है, और इसकी जिसको हरी झंडी माननीय नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, इसको डोंगरगढ़ में इसका स्टॉपेज नहीं लेकिन कुछ देर के लिए इसको रोका गया था, और यहाँ कुछ यात्रियों ने इनको देखा। आज ये आज हम बात करते हैं जो इसमें सफ़र कर रहे हैं यात्री, कहाँ से हैं आप? सर, छिंदवाड़ा से। आप वंदे भारत एक्सप्रेस में पहली बार बैठ रहे हैं? हाँ, पहली बार। सर कैसा लग रहा है इस सफ़र का? सर सर नंबर वन पहली बार बैठना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं, तो किस टाइप का नाश्ता था पहले आप ट्रेन में सफ़र किया करते थे, और अब की जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो सफ़र कर रहे हो तो इसका जो नाश्ता है किस टाइप का है, कैसे क्वालिटी है और ट्रेन कैसा है? सर पहले रेलवे को इतनी अच्छी नहीं समझी जाती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ 3-4 सालों के बाद में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है इस ट्रेन पे। बाकी जैसे कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और यात्री से हम जान रहे हैं किस तरह की इसकी व्यवस्था है, वैसी यहाँ एक मैडम जी बैठी हुई जो नारी शक्ति के बारे में बता रही हैं, तो इनसे भी बात करते हैं किस तरह से ट्रेन के बारे में सफ़र कर रही हैं। बताइए कि कैसा लग रहा है ट्रेन में सफर? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जैसे बोले कि नारी शक्ति के लिए, तो किस टाइप का सोच रहे हैं इस ट्रेन के बारे में? हम लोग का मन था जाने का, तो पूरा हो गया वो सपना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि बोलते हैं कि ये ट्रेन जो है एरोप्लेन के जैसा बना हुआ है, तो ऐसा कुछ फीलिंग लग रहा है आपको इसमें? जी अच्छा लग रहा है, अभी तो घूमे नहीं है तो। अभी हम सफ़र कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में जो कि नागपुर से बिलासपुर जा रही है, और पहले बार यह ट्रेन यहाँ से संचालन किया गया जिसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं हरी झंडी दिखा किए हैं। इसमें आज बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इसको बनाया गया है, और ये छत्तीसगढ़ की पहला ट्रेन है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात केंद्र सरकार द्वारा मिला हुआ है। कैमरा पर्सन कामेश्वर साहू के साथ अभिलाष देवांगन।